मलिक रशीद अहमद खान साहब मौत देना मलिक अहमद खान साहब मौत देना मलिक अहमद सईद खान साहब मौत देना अब्दुल रहमान कानी साहब मोहतरम जनाब राव मोहम्मद अजमल खान साहब मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद हयात खान साहब मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद हिसार खान साहब इनके गुर से खा लिया सारी मोहतरम जनाब शेख हसीम अख्तर साहब मोहतरम जनाब मियां मोइन खान भट्टू साहब मोहतरम जनाब चौधरी नूर हसन तनवीर साहब मोहतरम जनाब अब्दुल गफ्फार भट्टू साहब मोहतरम जनाब परवीज ताहिर साहब मोहतरम जनाब रियाज भट्ट जट साहब मोहतरमा शेजा मनसब साहिबा और मेरे कसूर के अजीज बुजुर्गों नौजवान साथियों नवाज शरीफ के शाहिनों और दुनिया के नवाज शरीफ के परवानों अस्सलाम वालेकुम। आज खड़ा है उसे कुछ भी अजान हो रही है अजान नवाज शरीफ वो आपका भाई है जिसके दौर में न सिर्फ पंजाब लाखों नौजवानों को लैपटॉप में मेरिट के ऊपर मेहनत के ऊपर और उन पतियों पतियों जो लाखों की तादाद में है जिनको लैपटॉप मिले कोई सफारत नहीं हुई कोई करप्शन नहीं की कोई किसी को नहीं दिलवा सकता था और जो रुपए की लागत से नौजवान अपनी बेटियों बेटियों को लैपटॉप और आज याद करो कि वही लैपटॉप आज पूरे पाकिस्तान में लाखों बच्चों और बच्चों के लिए इज्जत का रोजगार बन गए। वो अपने खानदान के ऊपर बोझ बनने के बजाय वो खानदान का बोझ बांट रहे हैं। याद करो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों ये वही नवाज शरीफ है जिसने भाषा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आदमी मंसूबा जिससे बिजली भी पैदा होगी और पानी का जखीरा भी होगा जिससे कि हमारी जमीनें सरसब्ज होंगी और पाकिस्तान की गंदम की पैदावार गंदा पैदा उसकी बुनियाद नवाज शरीफ की रखी खदमात की लिस्ट खत्म नहीं होगी। और याद करो किसने पाकिस्तान को 1998 में 28 मई को हिंदुस्तान के पांच जमातों के मुकाबले में छह जमाने करके पाकिस्तान को एक ऐसी हुकूमत बनाया हिंदुस्तान के नाम छठे कर दिए जिसमें कोई शक नहीं कि ऐसी और आप एडमिट
धमाका ना करें। मैं आपको 5 अरब डॉलर जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, आज उस जमाने के 5 अरब डॉलर आज 15 अरब डॉलर बन जाएंगे, तो आप लेने आ रहे हैं, धमाका ना करें। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि सदर लंदन, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं और मेरे साथ आप हमदर्दी रखते हैं, लेकिन मुझे 5 अरब डॉलर नहीं, हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के बकार को मैंने मुझे अजीज है, मैं पाकिस्तान के बकार को एक सेकंड के लिए कोई गलत नहीं पहुंचाऊंगा। 5 अरब डॉलर छोड़ के 50 अरब डॉलर की वोट मेरे लिए कोई मुक्त नहीं है। मेरे बुजुर्गों भाई और नौजवान साथियों, वो कौन शख्स था जिसने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त बढ़ी हुई दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए सर्वेदक का मंसूबा अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया? फुल जलील ना कुछ भी ना बंदा भी ना बंदा पीछे कुछ खाली खाली हो सारी कुछ बंदा भी ना यान को बहुत पालाशिया लग रहा है और पाकिस्तान के बेगुनाह मासूम लोगों को करल जाए चेक करो सामने पाकिस्तान में दोबारा मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों आपकी जब सामान जो आज सुन रहा हो मिनट बाद गाना आने के बाद अभी गाना ने सुन ले बस ये तो बंदा जो गौर से देख रहा है ये बंदा ना एक ही रहे हो ये बंदा गौर से देख रहा है मेरे राइट साइड में मेरी कसूर की गुड़िया के अजीज मैं और मेरे बेटियां तशरीफ फरमाए मैं आपके खिदमत में सलाम पेश करता हूं सलाम पेश करता हूं बहुत मेहरबानी आप मेरे बुजुर्गों भाई तौसीफ है मैं नौजवान साथियों जैसा कि तुम जानो हो दिखा यार ये खुशी भरी पड़ी होने तो लाइट बंद कर दी इसकी लाइट भी बुझा दिया कैमरा में देखा ना सीपैक का मंसूबा जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 30 अरब डॉलर की सरकार मेरा इंटरव्यू ओ भाई साहब ये जनता कायल जा रही है बाहर ये थकी है तेरे गैर बढ़िया अंदर मेरे जा रही है और तू खत को आए पड़ो है मैं भी तेरे को आई रास्ता में था हुआ तेने कहा करो पहले जनाब तकरीर सुनो नवाज शरीफ शबाज शरीफ अच्छा और भाई साहब तू बता ना तू कैसे आए पड़ो कैसे आए पड़ो जाता है आप कैसे आए पड़ो थको थको पड़ो जो तू कुर्सी के ऊपर खड़ो तो भाई को टेंशन ना है हां थकावट ना हो थकावट ना हो आवाम कल जा रही है घर लो घर लो ना जा रहे भाई बाहर निकल रही है आबस बहुत है अंदर आ गए आबस जिनने कोई वहाँ को इंतजाम ना करो हवा को अच्छा ये जब कुर्सी खाली हो पड़े इनको का हिसाब किताब है हाँ भाई लाले साहब कैसा है बड़ो कौन तकरीर कौन कर रहे हो बात करे
बगैर मोटर के ना आवे भाई। अब इनका हाल है ना मोटरवे का सिलसिला में आयो भाई। अच्छा मोटर भी आप बंद कर दो।